अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजेश शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ के पंचायत बलगरा के अंदर, और जिस जगह में अभी मौजूद हूँ ये पंचायत बलगरा का वार्ड नंबर 5 है। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे एक शख्स बैठे हुए हैं। फ़िलहाल हम इन शख्स की जो है जानकारी इन्हीं से जानते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि इनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। चाचा जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद सैन आपका नाम जी। आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आपकी जो है क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? मुश्किलात पहले फिर मैं जिस वक्त पैदा हुआ था तब मैं बिना रोशनाई का कोई पता नहीं है। अच्छा। कोई रोशनी का पता नहीं है। फिर बाप मेरी खिदमत करे था, फिर वो बाप गुजर गया, फिर यो लड़की हो गई। बस इससे का सारा वर उर पर चलूँ तो बाजार में पूजाऊँ तो लोग मेरी खिदमत करें था, मस्जिद में पजामे था, ज़ियारत पर किश्तवाड़ पजामे था। अच्छा। गड्डी पर चाट कर ले जाना नहीं दे, पैदल चलना दे, हाथ पकड़ कर ले गए उत पजामे दा। अच्छा। बस इसरा वक्त में पास किया, हूँ चलन भी नहीं होता तो रोशनी भी नहीं है, हूँ क्या करना। चाचा, आपकी जो आँखों की जो रोशनी है तो ये कब से गई है? ये कुदरती कोई 20 साल गो थो, शायद बाप बोला था कि 20 साल गो थो था ये रोशनी खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो आप कोई यादवारी नहीं है कि रोशनी है या नहीं है, या अच्छा, देखी है या नहीं है। अच्छा। आप मुझे बताइए कि जो ये है आपकी रोशनी चली गई थी, आपको पता नहीं, आप खुद डॉक्टर के पास गए कभी? बाप ले गया था, जम्मू तक ले गया था। अच्छा। 40 दिन रहा था जम्मू जाकर, लेकिन है पानी इसमें खत्म हो गई, वो है पानी नहीं है, इसको कुछ नहीं इलाज हो सकेगा। अच्छा। 40 दिन रखिया फिर उधर, तो फिर वापस चले आया था, पानी शानी मुक गया था। आप मुझे बताइए कि आपके जो है इस घर का खर्चा कौन चला रहा है इस टाइम, और इतने टाइम से कौन चलाता आ रहा है? अब यही चंदा कर कर अच्छा, खर्चा उठाता हूँ और कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। पाई भी करें था बेचारा, लेकिन यो जेडो साथ में दे यो है गरीब। अच्छा। यो पत्थर मंड गया था अपनी रोजी कमावे में से। अच्छा, अच्छा। वो जो ठाठी वाला है वो उसने वो करा है, कपड़ा छपड़ा दे छुड़ा बेचारा और कुछ नहीं। तो आपका जो मकान है ये एक ही सिर्फ एक कमरा है आपका यहाँ पे? ये एक ही समझ कमरा है। अच्छा। ये एक क्या, ये एक ही कमरा। ठीक। आपकी जो पत्नी है वो कहाँ है जी? मतलब बीवी आपकी कहाँ है? मर गई है। कब गुजर गई है वो? उसने हो गया 5-6 साल हो गया। अच्छा, 5-6 साल। हाँ, 5-6 साल हो गया। तो आज आप दो ही हो, आप और एक लड़की? दो। अच्छा अच्छा। नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी सुना कि कितनी दुख भरी कहानी है। इन्होंने कहा कि ये बचपन में ही इनकी जो आँखों की रोशनी है ख़त्म हो चुकी थी, कि अभी भी आप खुद देख रहे होंगे कि इनकी आँखों से रोशनी नहीं है, ये नाबिना है। नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूँ कि ये जब जवानी में थे, इनके कहने के मुताबिक ये 20 या 25 साल के थे, इनकी रोशनी जो है ख़त्म हो चुकी थी 20 या 25 साल की उम्र में। उसके बाद जो है इनकी परवरिश इनके वालिद साहब ने ही की। इनकी पत्नी का भी इंतकाल हो चुका और इनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका, और ये जो अपना गुज़र बसर किस तरह से करते हैं, आपने इनकी ज़बानी सुना, ये मस्जिद के अंदर जाके, और भी जो ज़िंदा दिल इंसान होते हैं वो इनकी मदद करते थे किसी भी तरह से, और ये अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब यही शख्स जो है आप खुद देख रहे हैं बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 70 से 80 साल की उम्र अभी इनकी जो है उम्र है, तो आप देख रहे हैं कि और इन आँखों में बिनाई भी नहीं है और टांगों से भी आप उतना चल नहीं सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, बहुत दुख भरी कहानी है इनकी, तो अब जो है ये चल नहीं सकते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं चाचा हमें कि आप हमारे व्यूवर्स को जो हमें देख रहे हैं उनसे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप हमारे लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे?
आपको मदद हो जाए, खर्च पर्च मिल जाए तो बस और क्या है। आप कौन शोंट में कोई खर्च पर्च मिल जाए फिर और कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, और क्या है। तो नाज़रीन आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये शख्स जो हैं चल भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, और उसके अलावा मैं इनसे जानना चाहूँगा चाचा सरकार की तरफ से आपको आज तक कुछ मदद हुई? ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी भी तरह की मदद ना ना, ना कोई। आपकी पेंशन चल रही है? पेंशन या चल रही भी है, पेंशन है 2-3 साल हो गया, चलती है। ठीक है, 3,000 रुपये महीना को मिलती है। अच्छा, गुजारा हो जाता है उस पेंशन में? उसमें क्या गुजारा होता है जनाब, ये जुमा भर चंदा करता हूँ, रमजान में चंदा करता हूँ, फिर गुजारा हो जाता है। अच्छा, आपको गाड़ी में कौन बिठाता था, यहाँ से ले जाके नीचे रोड तक कौन लेता था? लड़की ले जाती थी रोड तक, वो तो अगर थारा जैसा बंदा कहीं खिदमतगार था जी। वे मस्जिद में पजाते थे, ज़ियारत पर पजाते थे। अच्छा, वहाँ आप चंदा करके अपना गुजारा करते थे जी। हाँ। नाज़रीन आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये एक लड़की के सहारे, वो लड़की भी हमारे साथ है यहाँ, लेकिन मैं उस लड़की को कैमरे के सामने नहीं लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लड़की इस वक्त, लड़की की उम्र जो है 16-17 साल उसकी उम्र है, और वो लड़की पढ़ती भी है स्कूल में, और उस बच्ची का जो है खर्चा, ये शख्स जो है आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये चंदा करके अपना घर भी चलाते थे और उस लड़की का खर्चा भी चलाते थे। नाज़रीन कराम, जब ये कहानी इंसान सुनता है तो इंसान के अंदर काफ़ी जो है दुख पैदा होता है, काफ़ी दर्द पैदा होता है, कि जिस आप देख रहे हैं कि ये जो कमरा है, मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा ये साइड पे भी दिखाए कि ये एक कमरा है यहाँ पे, और एक कमरे के अंदर ये शख्स अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और सरकार हमारी जो है बड़े बड़े दावे करती है, हमारी इंतज़ामिया जो है बड़े बड़े दावे करती है, कि उन इंतज़ामिया के पास, सरकार के पास गरीबों के लिए जो है मुख्तलिफ तरह की स्कीमें हैं, और ये शख्स जो है ये जो है गुजर तबके से ताल्लुक़ रखता है, और इनके लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत स्कीमें जो है बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम आए, यहाँ पे ज़मीनी सतह पे देखने को मिला वो स्कीमें कहाँ पे लागू होती हैं और कहाँ पर हैं। ये शख्स जो है नाबीना है, और इसका गुजारा जो है चंदे से होता है, और लोगों से मांग कर होता है। फिलहाल जब हम यहाँ पर आए, हमें इस चीज़ का तो पता नहीं है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे होंगे जो इंतज़ामिया की आंखों से भी ओझल होंगे, और जो सरकार की आंखों से भी ओझल होंगे, और हमें यहाँ पर बहुत दिन पहले हमारे जो है ठाठरी से रहने वाले एक शख्स हैं, अनायतुल्ला साहब जरगर, जो पेशे से उस्ताद हैं, उन्होंने हमें 5-6 दिन पहले जो है फ़ोन किया, उनने हमें कहा इस चीज़ की कि फ़लानी जगह पे एक शख्स है जो मांगता है, चंदा करता है, उनने कहा कि आपकी तरफ से अगर उन तक आपकी बात जो है, आपकी तरफ से उनकी बात अगर आगे पहुंचती है कहीं, और लोग जो हैं बहुत ज़िंदा दिल लोग होते हैं जो मदद करते हैं, तो उन तक ये बात पहुँचे, वो भी हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन आपको मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पे पहुँचे वार्ड नंबर 5 के अंदर इस चाचा जी के घर पे, आपने इसकी दास्तान सुनी, लेकिन इसके अलावा जो है हमें 4-5 दिन पहले जब अनायतुल्ला साहब, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये इन्होंने हमें हम तक बात पहुँचाई, और हम इनसे भी जानना चाहेंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन चाचा जी के साथ इनका कैसे तारुफ़ था और कैसे जो है ये इनको जानते थे। सर सबसे पहले आप बताएं कि आप इनको कैसे जानते थे और किस तरह से आपको पता चला था इनका? सबसे पहले राजा शकील जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ठाठरी से दुनादी से यहाँ पाठशाला में पहुँचे, पैदल सफ़र तय किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। मेरी इनके साथ जान पहचान ऐसे हुई कि मैंने जब इनको देखा ये नाबीना है, मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, तो मैं अक्सर इनको
नमाज के बाद गाड़ी में बिठा देता था, खाना खिला देता था और घर के लिए वापस करता था, एक दो साल से पहले से। बाकी रहा मैंने इनको क्या किया इनके साथ क्या नहीं किया वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो राज खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। वो तो जब मैंने इनको देखा कि इनकी हालत, मैंने इनको एक बार पूछा आपके घर में कोई नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है और कोई नहीं है। मैंने कहा वो क्या करती है, कहते हैं वो पढ़ती है। मैंने कहा घर का गुजारा कैसे होता है, तो कहता ये चंदा शंदा करके मैं मांग कर लेता हूँ। तो फिर मैंने आपको बुलाया कि चलो मेरी तरफ़ से लोगों को अपील है कि ये इनको, ये नाबीना है, इनको नज़र नहीं आता है, लोग ही इनको चलाते हैं, लोग ही इनको थोड़ा बहुत चंदा देते हैं जिससे इनका घर का गुजारा चलता है, इन्होंने बेटी की शादी करनी है। तो मेरी पुरजोर अपील है लोगों से कि इनके अकाउंट के थ्रू इनकी मदद करें जिससे ये घर का गुजारा भी चला सकें और अपनी बेटी की शादी भी करा सकें। ये बहुत ही मुस्तैक अफराद हैं, मुझे लगता है हज पर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अगर इनकी मदद करेंगे तो शायद घर में भी हज हो सकता है क्या। बाकी मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं पहली बार इनके यहाँ आया हूँ आपके साथ, मैं जानता भी नहीं था। तो मेरी पुरजोर अपील है लोगों से कि आपने मतलब वहाँ ही देखा था इनको, ठाठरी में ही देखा था, हमारे वहाँ पर मैंने इनको देखा है ठाठरी में ही, ठाठरी में इनके साथ जान पहचान हुई है, यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ इस साइड में, तो इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। चलो अगर इनको मदद होती है तो ऊपर वाला हमें भी कहीं मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने इनकी ज़बानी सुना, मैं सबसे पहले अनायत साहब को मुबारक पेश करता हूँ कि जिनकी नज़र में गरीब शख्स, इस शख्स के लिए मोहब्बत थी, इस शख्स के लिए अंदर, इस शख्स के लिए इनके दिल के अंदर जो है दर्द था, जिन्होंने हमें फ़ोन किया और फ़ोन ही जितना नहीं बल्कि हमें यहाँ भी लेके आए, हमें यहाँ भी पहुँचाया, और जब हम यहाँ पहुँचे इनकी हालत देखी, एक कमरे के अंदर ये रह रहे हैं। तो नाज़रीन और इन आपने इनकी ज़बानी भी सुना, ये चंदा करके ये लोगों से मांग के अपना खर्चा जो है चलाते थे, अपनी बच्ची का खर्चा चलाते थे। नाज़रीन कराम आपको मैं बताता चलूँ कि इनकी अपील जो है वो सिर्फ यही अपील है कि आप इनकी लड़की जो है जवान है और इस वक्त वो पढ़ भी रही है, लेकिन आप बखूबी जान रहे हैं इनने कहा कि कोरोना की वजह से अब दो साल गुजर गए वो घर पे है, लेकिन वो उसने भी अपनी तालीम को आगे जारी रखना है, उसके लिए भी खर्चा होना चाहिए, और जवान लड़की अब है उसके लिए जो है इन्होंने उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी खर्चा होना चाहिए। और आपसे अपील है कि हम इस वीडियो के आखिर में इनका अकाउंट नंबर डालते हैं, जिस शख्स से जो भी शख्स चाहे जितना चाहे जिसको जितनी तौफीक है इनके अकाउंट में जो है डालकर इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इस गरीब शख्स की मदद करते हैं, इस गरीब शख्स की, इसकी बच्ची की जो है परेशानियों को दूर करते हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करेगा। नाज़रीन इस शख्स की जो है आप भरपूर तरीके से मदद करें ताकि इसकी जो है घर की ज़रूरियात, इसकी अपनी ज़रूरियात, इसकी बच्ची की ज़रूरियात पूरी हो। तो नाज़रीन इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए दचनाब टाइम के साथ बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त कैमरामैन ताहिर के साथ, शुक्रिया।